फेस्टिवल ऑफ फायर ओनली। और आप जानते हैं कल एक आग का एक त्योहार है। That's right. ये बात ठीक है। And we're saying Satrangi is coming to dampen Diwali for many. और वो ये कहते हैं खबर में ऐसा आया कि सतरंगी इसलिए आ रहा है ताकि बहुतेरों के लिए दिवाली को ठंडा कर दे। But it's fire for the believer. पर ये आग है विश्वासी के लिए। The seven colors. वो सात रंग। Which Ezekiel saw, which John saw. जो Ezekiel ने देखे, जो यहुन्ना ने देखे। Amen. Stones of fire. आग के पत्थर। Fire in the diamond. उस हीरे में आग। Fire in Victrola needles. Victrola सुइयों में आग। Amen. Can you believe that? क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं? Amen. I believe it. I believe. मैं विश्वास करता हूँ। Our young brothers have repented. हमारे जवान भाइयों ने तौबा करी है। Have you made a decision today? क्या आज आपने फैसला किया है? Not to just show me. केवल मुझे दिखाने के लिए नहीं। No, don't show it to me. Show it to the Lord. नहीं नहीं मुझे मत दिखाइए, प्रभु को दिखाइए। Make a decision in your life. अपने जीवन में एक फैसला कीजिए। You sister, you make a decision. आप बहन जो हैं, आप भी एक फैसला करें। You have to choose between life and death. आपको जीवन और मृत्यु के बीच में चुनना होगा। You have to. आपको चुनना ही होगा, चुनना होगा। That crossroads comes in everybody's life. वो जीवन का चौराहा हर एक के जीवन में आता है। And it would be marvelous if you give it to Christ. और ये बहुत ही अद्भुत और महिमा में होगा अगर आप वो मौका मसीह को दें। Don't watch who's next to you. इसको मत देखिए कौन आपके आसपास है। Become personal with Christ. खुदा के साथ बिल्कुल व्यक्तिगत हो जाइए। अच्छा आप दे रहे थे जीवन मसीह को, अच्छा किसने, आप बंदे थे अब तक। Don't think about that. लोग क्या कहेंगे? Yes. लोग बहुत कहेंगे, लोगों को जाने दो भाड़ में। Don't worry about the people. Amen. Worry about Christ. Yes. केवल मसीह की चिंता करिए, लोगों की नहीं। आप भी रिपेंट कर रहे थे मीटिंग में, आप भी तो रिपेंटेंस में। अच्छा हम तो आपको बहुत बढ़िया समझते थे। अरे भाई खुदा के सामने खोलो यार, कौन देख रहा है? Amen. Amen. और जो जेन्युइन होगा वो खुश होगा आपकी रिपेंटेंस सुन के। Yes. वो ये नहीं देखेगा आप भी हाथ उठाए थे रिपेंटेंस में। समझ में आ रही है? तो डोंट वरी, तो चिंता मत करिए। डोंट वरी, मेक द प्लेस योर ऑल्टर। चिंता मत करिए, उस स्थान को अपनी वेदी बना लीजिए। आई थिंक यू हैव, मैं सोचता हूं आपने बनाया है। लॉर्ड फॉरगिव अस, प्रभु हमें माफ करें। फिल अस विद फायर, हमें आग से भर दें। If those who have not received the Holy Ghost, अगर वो जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया है, Oh God, fill them with the Holy Ghost. ओ खुदा, उन्हें आग से भर दे। Give them a new birth experience. उन्हें एक नए जन्म का अनुभव दे। Change those lives. उन जीवनों को बदल दे। Before it is too late. इससे पहले बहुत देर हो जाए। Oh Lord, I'll become desperate for them. ओ खुदा, मैं उनके लिए व्याकुल होऊंगा। Oh God, have mercy. ओ खुदा, मन रहम करे। Fill them with the Holy Spirit. उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे। And I know when that fire comes, मैं जानता हूँ जब आग आएगी, it doesn't leave at all. वो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाती। It didn't leave Elisha's bones. उसने एलिया के हड्डियों को नहीं छोड़ा। It will take him home. वो उसे घर ले जाएगी। Oh God. Oh खुदावंद। People want, before every chariot there is a showdown. हर एक चैरियट, हर एक रथ के आने से पहले एक शोडाउन होता है। Every baptism of Holy Ghost is a showdown. हर एक पवित्र आत्मा एक showdown होता है। Every new birth is a showdown. हर एक नया जन्म एक showdown होता है। Between you and devil. आप और शैतान के बीच का। And that child who is born again. और वो बच्चा जो नया जन्म प्राप्त करता है। Oh God, have mercy. ओ खुदावन रहम करे। This is the last and final call going on. ये एक आखिरी अंतिम पुकार है जो जारी है। Let somebody tonight hear his name. ऐसा हो कि कोई ना कोई आज रात्रि अपने नाम को सुन ले। From the book. पुस्तक में से। And say, Lord, I'm sorry. कहे प्रभु, मैं अफसोस करता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। I'm sorry as I thought on my ways. ओ प्रभु, मैं माफी मांगता हूँ, मैंने सोचा जैसे अपने मार्गों पे। And I now repent. और अब मैं पश्चाताप करता हूँ। For all that I've done, उस सब के लिए जो मैंने किया है। How many times I have disobeyed you? कितनी दफा मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है खुदा। How many times I tried to disappoint you? कितनी दफा मैंने आपको निराश करने की कोशिश करी है। Not pass away. ओ प्रभु, ये रात गुजरे ना। Yes, Lord. Somebody find you. कोई ना कोई आपको पा जाए।
You know the cry of my heart. आप जानते मेरे हृदय की पुकार को. Lord, प्रभु, to see others. कलीसिया के लिए भी खुदावन की मेरी कलीसिया का क्या? If they are receiving it, अगर उन्हें मिल रहा है, what about us? हमारे बारे में क्या खुदावन? There are still some children, Lord. कुछ बच्चे अभी बाकी हैं खुदावन. Who are addicted to gadgets? जो विभिन्न विभिन्न यंत्रों के लत में पड़े हुए हैं. They are addicted to the modern kind of life. आधुनिक किस्म की जीवन को उन्हें बिताना अच्छा लगता है. You cannot befool anybody. ओ हम किसी को धोखा नहीं दे सकते खुदावन. Oh Lord, have mercy. ओ खुदावन रहम करें. Forgive our hypocrisy. हमारे पाखंड के लिए हमें क्षमा करें. Forgive our double standards. हमारे दोहरे जो मापदंड है उनके लिए हमें क्षमा करें. Forgive our double lives. हमारे दोहरे जीवनों के लिए हमें माफ करें. Have mercy, Lord. हम पे अनुग्रह करें खुदा. ओ क्राइस्ट क्रूसिफाइड एट कैलवरी. ओ मसीह जो क्रूसित हुआ कलवरी पे. लेट योर ब्लड ड्रॉप ऑन सम. ऐसा हो आपका लहू किसी और किसी के ऊपर अब थोड़ा सा बूंद बूंद गिरे. अपॉन ऑल ऑफ अस लॉर्ड. हम सब पे खुदावन. एंड गिव अ डोज ऑफ कैलवरी इन दैट लाइफ. और उस कलवरी के खुराक को आप दीजिए उस खास जीवन में. टर्न दैट ओल्ड नेचर इनटू अ हेवनली नेचर. उस पुराने स्वभाव को स्वर्गीय स्वभाव में बदल दीजिए खुदावंद. Have mercy, O Lord. अनुग्रह करें खुदावंद. Forgive us. मैं माफ करें. Forgive our hypocrisies. हमारे पाखंडों के लिए हमें माफ करें लॉर्ड. The dramas which we make. वो ड्रामा जो हम करते हैं. We don't want to play a church. हम कोई कलीसिया का गेम नहीं खेलना चाहते. Oh God, have mercy. मैं उन पे रहम करें. Then I pray, Lord. फिर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु. Give us worthiness to partake in your flesh and your blood. हमें योग्यता दें खुदावन आपके लहू और मांस में भाग लेने का. If somebody is desperate for a change in his or her life, अगर खुदावन व्याकुल है एक बदलाव के लिए अपने जीवन में. Give that boy the Holy Ghost. उस बच्चे उस लड़के को पवित्र आत्मा दे. Give that girl the Holy Ghost. उस लड़की को पवित्र आत्मा दे. Let from tonight on they say, I was changed in that meeting. ऐसा हो आज रात्रि से वो कहें कि मैं बदल गया उस सभा से. From that time. उस समय से. From that meeting. उस मीटिंग के दिन से. I'm changed. मैं बदल चुका हूँ. I'm different. मैं फर्क हूँ. And those who have received the fire. और वो जिन्होंने आग को पाया है. Those whom the fire talked and showed their names. वो जिससे आग ने बात करी और उनको उनके नामों को दिखाया. Now take them to the next step. अब खुदावन अगले कदम पे लेके जाए. A defense. एक सुरक्षा. A provider. एक मुहैया करने वाला. And finally a transport. और आखिरकार एक वाहक. The last thing John said on earth was. आखिरी चीज. Yes, Lord. आखिरी चीज जो यूहन्ना ने कही पृथ्वी पे खुदावन. I came in that spirit. मैं उस आत्मा में आ गया. I came in that fire. Oh, मैं उस आग में आ गया. The next thing he says. अगली चीज़ वो कहता है. I was in heaven. मैं स्वर्ग में था. And one sat on the throne. और स्वर्ग पे एक सिंहासन पे बैठा हुआ था. Oh God, give that same experience. Oh खुदावन वही अनुभव दे. Give us grace to come once again in that spirit. खुदावन हमें अनुग्रह दे कि हम फिर से एक दफा उस आत्मा में आएं. Only you can take us, Lord. केवल आप ही हमें ले जा सकते प्रभु. The deep anointing. उस गहरे अभिषेक में. Which takes your bride home. जो आपके दुल्हन को घर वापस ले जाए. Take us to that next step. हमें उस अगले कदम में लेके जाए. How the prophet said. कैसे नबी ने कहा. And this third pole coming up. और ये तीसरा खिंचाव ऊपर आता हुआ. And the Holy Spirit of God. और खुदा का पवित्र आत्मा. And then somebody said, shut your mouth. अबे किसी ने कहा अपना मुंह बंद करो. And he said, I feel checked. उन्होंने कहा कि मैं महसूस करता हूँ चेक हुआ हुआ. One thing is certain. एक चीज तो पक्की है. It's the Holy Spirit that has to do with that third pole. Oh yes, Lord. ये पवित्र आत्मा है जिसका संबंध है उस तीसरे खिंचाव से. And we, Lord, submit to you. और हम खुदावन अपने आप को अधीन करते हैं आपके सामने सुपुर्द करते. Take us to that next room. हमें उस अगले कमरे में ले जाएं. Take us to the next step. अगले कदम पे ले जाएं खुदावन. Take us to our body change.
हमारे देह बदलाव पे हमें लेके जाएं खुदा। This October 23rd we pray। इस अक्टूबर 23 के दिन हम ये प्रार्थना करते हैं। Give us grace to walk with you। हमें अनुग्रह दे कि हम आपके साथ चल पाएं। Like you walked with Enoch। जैसे आप अनोक के साथ चले। Like you walked with Brother Branham। जैसे आप भाई ब्रैनम के साथ चले। Give me a grace। मुझे रा अनुग्रह दे। A consecrated life। एक बड़ा ही पवित्र किया वाला है तकी का जीवन। Walk with you। कि आपके साथ चल पाऊं। Take away filthy jokes। गंदे चुटकुले हमसे दूर करें। Take away filthy habits। गंदी आदतें हमसे दूर करें। We bring it to you, the strong man। हम आपके सामने लेके आते हैं जो वो बलवान आदमी है। Sitting before net for hours। क्योंकि घंटों घंटों हम बैठे रहते हैं इंटरनेट के सामने। Killing your God-given time। और आप खुदावन आपके द्वारा दिया गया समय को जाया करते हैं। Oh Lord, I keep on repeating this in meeting after meeting। We want to give it to you, Lord। Kill it! खुदावन में बार बार हर एक मीटिंग में सुधराता हूं, हम आपको इसे देना चाहते हैं, आप इसे मार डालें। Let the new man that is Christ live in us। और ऐसा हो कि वो नया मनुष्य था जो कि मसीह में जीवित हो। Give us grace। अभी रहम दे खुदावन। Oh, what a Christmas this time would be। Oh, क्या क्रिसमस होगा इस दफा। And what a happy new year it would be when we enter in that as a born again brother sister। और क्या ही मुबारक वो नया साल होगा, खुशहाल नया साल होगा जब हम उसमें घुसे नया जन्म प्राप्त करके। Born again families, born again sons, born again daughters, born again parents। नया जन्म, नया जन्म प्राप्त परिवार, नया जन्म प्राप्त बच्चे, नया जन्म प्राप्त खुदावन माँ बाप। Oh what a day it would be। क्या खूब दिन होगा वो। Oh God have mercy। Oh खुदावन रहम करें। Provide our needs। हमारी जरूरतों को पूरा करें। Prepare us for the table। हमें मेज के लिए तैयार करें। As we submit ourselves into hands of grace। जबकि हम अपने आप को आपके अनुग्रह कार्य हाथों में सुपुर्द करते हैं। Give us grace to check our tongues। खुदा हमें अनुग्रह दें कि हम अपनी जुबानों को उसको हम चेक करें, उन पे लगाम लगाएं। And not speak unfruitful things। और निष्फल चीजें ना बोलें। Forgive us, we do it, Lord। ओ खुदा हमें अनुग्रह दें, हमें माफ करें। हम ऐसा करते हैं। And you like a dove get grieved and sit on a branch, Lord। और आप खुदा अनफाकत होने के नाते शोकित होते हैं और किसी बांस की डाली में बैठ जाते हैं। Oh dove, come back। Oh मेरे फाकता, आप आइए वापस। Please come in our lives। कृपया करके हमारे जीवन में आ जाइए। Don't be grieved, Lord। हमसे शोकित मत होइए। There are many in this church who have grieved you। बहुत सारे इस चर्च में जिन्होंने आपको शोकित किया है। But we are calling you back। पर हम आपको वापस बुलाते हैं। Come in our lives। हमारे जीवनों में आ जाइए। Fill us once again, Lord। और हमें फिर से भर दें। Fill us with the Holy Spirit। अपने पवित्र आत्मा से फिर से भर दें। Talk with our hearts। हमारे हृदय से बात करें। That still small voice। वही मीठी धीमी आवाज। Whispering your secrets to us। जो अपने रहस्यमय गोपनीय बातों को हमारे कानों में कहती है। I never planned this message like this। और मैंने कभी इस संदेश की योजना इस तरीके से नहीं की थी। I just came on the pulpit as a tired man। मैं केवल खुद और पुलपिट पे एक थके हुए आदमी के रूप में आया था। But how you came and twisted it and turned it to this। कैसे खुदा ने आप आए और आपने इसको मोड़ दिया इस पे। Then it's you, Lord. Then it's you। तो फिर हम जानते खुदावन की आप हैं, आप हैं। You're still interested in us। Yes, Lord। आप अभी भी हम में दिलचस्पी रखते हैं। Have mercy, O Lord। रहम करें खुदावन। As we submit। प्रार्थना करता हूँ भाइयों के लिए जो वरंगल में आए मीटिंगों के लिए। Even the seed of the word that was sowed there। यहाँ तक कि वो बीज, वो वचन रूपी है जो वहाँ बोया गया। Oh God, let it not be for somebody's, but somebody find a way, Lord। ओ खुदावन, ऐसा ना हो कि ये कुछ लोगों के लिए ठोकर का बायस बने, परंतु ये कुछ लोगों के लिए मार्ग मिलने का बायस बने। And let them all go with you in the rapture। और वे सब ऐसा हो खुदावन रैप्चर में जाने पाए। Have mercy, Lord। अनुग्रह करें। Prepare us for the table। हमें मेज के लिए तैयारी दें। Under your blood we come। आपके लहू के नीचे हम आते हैं। Wash us, Lord। हमें धोएं खुदावन। Wash away our unbelief and our sins। हमारे पाप को और अविश्वास को धो दें खुदावन। In the name of Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen। Amen। God bless you। खुदावन आपको बरकत दे। Amen। God really bless you। Have a reckoning of our lives। और अपने जीवनों को फिर से जांचें। As the Bible says, as I thought on my ways। जैसे बाइबल कहती है कि मैंने जैसे अपनी मार्गों पे, अपने कामों पे सोचा। Take that rebellious spirit away। उस बागी आत्मा को हमसे दूर ले जाए। Let the humble Holy Spirit। और वो दीन पवित्र पवित्र आत्मा है। God really bless you। खुदा आपको वास्तविक बरकत। Let's us all stand। आइए हम सब खड़े हों।